हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम हॉल में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है और एग्जाम हॉल में जाकर के किन बातों का ध्यान रखना है, इन सारी चीजों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। और हमारा टारगेट रहेगा सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021 जो 7 फरवरी को होने वाला है। मैं मदन स्वामी आप सबका स्वागत करता हूँ फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, इस वीडियो को बेसिकली हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट कि आप लोगों को क्या क्या चीजें लेके जानी है अपने साथ, यानी आउटसाइड ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। दूसरी, एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर जब आप एंट्री करेंगे तब किन किन बातों का ध्यान रखना है। एंड थर्ड, आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है। इन 3 कैटेगरी हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट जो स्टेप है उसमें आपको अपने साथ क्या क्या चीजें घर से लेके जानी है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आपका प्रिंटेड एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड में बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहे हैं किस रेंट से प्रिंट कराएं, क्या पूरी सारी इंस्ट्रक्शन साथ लेके जाने। नहीं, आपको सिर्फ फर्स्ट पेज को लेके जाना है, उसका प्रिंट निकालिए। प्रिंट साफ होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ एडमिट कार्ड पे कौन कौन सी बातों को फिल करना है, एडमिट कार्ड पे आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कोविड के दौरान इसी साल नया अप्लाई हुआ है, तो उसको प्रॉपर ढंग से फिल करें। कैसे फिल करना है इसका वीडियो बना चुका हूं मैं, आप इसी चैनल पे जाइएगा, सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा कि कैसे एडमिट कार्ड में वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना है। इसके बाद आप लोगों को अपना थंब इम्प्रेशन घर से लगा के लेके जाना है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन बहुत ही साफ होना चाहिए वो, और 2 बार नहीं लगा दें, और ऐसा भी नहीं हो बहुत ही लाइट ना देखें, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर उस एडमिट कार्ड पे करवा लें, और जहां पे स्टूडेंट का सिग्नेचर है, गाइस रिपीट कर रहा हूं, जहां पे बच्चे का साइन करने का जगह है वहां पे खाली छोड़ना है, वहां पे साइन करना है आपको एग्जामिनेशन हॉल में। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि शुड आई लेमिनेट माय एडमिट कार्ड, तो अपने एडमिट कार्ड को लेमिनेशन नहीं करवाना। यदि आप लेमिनेशन करवा लेंगे तो एग्जाम सेंटर में जब एंटर होने के बाद, एंट्री पहले तो एंट्री मिलेगी नहीं आपको, और किसी वजह से मिल भी जाती है तो आप सोचिए कैसे साइन करोगे आप, तो लेमिनेशन नहीं करवाना अपने एडमिट कार्ड को। तो एडमिट कार्ड प्रिंट निकालना है, सही निकालना है, उस पर पेरेंट्स के सिग्नेचर, खुद का थंब इम्प्रेशन और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन वाले पेजेस आपको साथ में नहीं लेके जाने। अब बात आती है कि इसके साथ में क्या लेके जाएं, तो 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने साथ कैरी कर लें। इसके साथ साथ ब्लू या बोल पॉइंट पेन, रिपीट कर रहा हूं, बोल पॉइंट पेन, यानी आप लोगों को जेल पेन नहीं लेके जाना है। इसके साथ आप लोगों को सैनिटाइजर की छोटी बोतल 50 ml की ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मास्क एंड ग्लव्स आपको साथ लेके जाने हैं, और इसके साथ साथ ओरिजिनल आईडी प्रूफ। ओरिजिनल आईडी प्रूफ की एक लिस्ट आपके एडमिट कार्ड में दे रखी है, जो भी आपके साथ में लेके जाइए बेसिकली देखिएगा उस आईडी प्रूफ में आपका नाम, आपका फोटोग्राफ और आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें आपको लेके जानी है। और क्या लेके नहीं जाना है उसकी बात करते हैं। आप लोगों को नॉर्मल कपड़े पहन के जाने हैं, आप लोगों को आपकी बॉडी के ऊपर कहीं आपने लॉकेट पहन रखा है, कड़ा डाल रखा है, ये सारी चीजें आप लोगों को वहां अलाउ नहीं है। कुछ बच्चों का जैसे इसमें एडमिट कार्ड में लिखा गूगल्स अलाउ नहीं है, हाँ गूगल्स नहीं है लेकिन स्पेक्स जो मैंने पहन रखा है वो तो आप ले जा सकते हैं, वरना आप वहां कैसे देखेंगे, मेरी आई साइट कमजोर, पेपर कैसे अटेंड करूंगा, तो वो अलाउ है, वो आप ले जा सकते हैं। हाँ गूगल्स फेसिंग के लिए जो पहन रखे वो अलाउ वहां पे नहीं है। आपको जो गैजेट्स हैं लाइक मोबाइल फोन है, कैलकुलेटर है, वो नहीं ले जा सकते, पेन पेपर एक्स्ट्रा जो है वो नहीं ले जा सकते। तो आप लोगों को क्या चीजें लेके जानी है बता चुके हैं, तो इसके अलावा और कुछ भी लेके नहीं जाना गाइस, ध्यान रखना। स्पेक्स जो है आपको, यदि आपकी नजरें कमजोर है तो वो पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करेंगे, स्टेप 2 की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होने वाला है, मे बी थोड़ा मैं जो बताऊं उससे चेंज हो सकता है, क्योंकि एनटीए फर्स्ट टाइम एग्जाम ले रहा है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके कोई नॉर्म्स अलग भी हो सकते हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को जो मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करने की, कि वहां पे आपको एंट्री गेट पे क्या ध्यान रखना है। एंट्री गेट पे ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा पहले भी जाए खड़ा नहीं होना, और टाइम का विशेष ध्यान रखना है, 9:30 गेट बंद हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, तो आपको 1 घंटे पहले वहां पे रिपोर्टिंग कर देना है, और वहां जाकर के अपनी फिक्स सीट पे या फिक्स अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खड़े रहना है। उसके बाद एंट्री गेट पे आप लोगों के एक हो सकता है वहां पे आपके नंबर, रोल नंबर पेस्टिंग हो, तो रोल नंबर वहां पे यदि पेस्ट किए हुए तो अपना देख लिए फ्लोर कौन सा है, रूम नंबर कौन सा, वो चेक कर लें अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आपको एंट्री गेट पे आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। यहाँ पे कई सारे बच्चों के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर मेरी तबीयत खराब है, मुझे कफ है या मुझे बुखार है, तो क्या मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, तो इसका आंसर है आप एग्जाम दे पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए, यानी जो बच्चे थोड़े से किसी कारणवश बीमार पड़ गए उन बच्चों के लिए अलग से रूम्स व्यवस्था होगी हर एक एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप अपनी खुद से पढ़ाई करें।
कोई टेंशन नहीं लेनी, आपका पेपर 100% होगा। आप लोगों को ध्यान रखना, इतना सा रखना है कि वहां पे जब जाएं तो अपने आप को जब चेकअप करेंगे, आपका टेम्परेचर यदि ज्यादा आता है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लोगों को सेपरेट रूम्स दे दिए जाएंगे, तो उसकी कोई टेंशन आपको नहीं लेनी। अब आपके एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर होंगे तो सबसे पहले आपका टेम्परेचर चेक होगा, टेम्परेचर के बाद आपको कैटेगराइज कर दिया जाएगा। यदि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तब तो एक कैडर में, तबियत खराब है तो दूसरे कैडर में आपको डाल दिया जाएगा। इसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए उनको जो कैरी कर रहे हैं अपन लोग, उन डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आप लोगों को आगे भेज दिया जाएगा आपके जो भी आपकी लोकेशन वहां पे डिसाइड होगी। अब स्टेप थर्ड, थर्ड स्टेप में आपको अपनी एग्जामिनेशन जो हॉल है उसके अंदर एंटर हो जाना है। अंदर एंटर होने के बाद भी बहुत सारी चीजें आपकी, ये जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वापस से चेक किया जाएगा। आप लोगों को अपनी सीट दे दी जाएगी और सीट पे जाकर के एक बार वेरीफाई कर लें कि जो सामान आप लेके आए थे क्या आपके पास अवेलेबल है। किसी कारण से आपका पैन में ना भूल जाते हैं तो वहां पे इन्विजिलेटर से बात करें और उनसे आप वो डिमांड भी कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि आप लोगों को जो बुकलेट मिलेगी, जो होमवर्क शीट मिलेगी, वो एग्जाम स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले आपको मिल जाएगा। तो जैसे बुकलेट मिलती है, होमवर्क शीट मिलती है, तो आपको उसका सीरियल नंबर चेक करना है। मल्टीपल टाइम ऐसे छोटे छोटे केसेस आपका भी होते हैं जिनमें यदि आपके होमवर्क शीट का नंबर, सीरियल नंबर और बुकलेट का सीरियल नंबर अलग है तो अब वो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसलिए जरूरी है कि पेपर को मिलते ही होमवर्क शीट का जो सीरियल नंबर है और आपकी बुकलेट का जो सीरियल नंबर है चेक कर लें, वो दोनों एक जैसे होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों को ओएमआर शीट को फिल करना है। ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है, उसमें सारी इंस्ट्रक्शन ओएमआर शीट में दी हुई होगी। फिर उसमें से कुछ समझ में नहीं आता, आप इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं। हमने भी ओएमआर शीट वीडियो बना रखा है लेकिन हमारी ओएमआर शीट वो लेटेस्ट नहीं है, एनटीए फर्स्ट टाइम एग्जाम करा रहे हैं, भी है ओएमआर शीट में छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक एंट्री को भरने से पहले आप 10 बार 20 बार कितनी बार पूछना चाहे इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं, बट एक बार आपने गलत भर दिया तो वहां पे कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो ओएमआर शीट को बहुत ही केयरफुली ध्यान से भरें, अपना रोल नंबर ध्यान से भरें, अपना नाम ध्यान से भरें, जो भी एंट्रीज करनी है उनको ध्यान से करें। उसके बाद आपको पेपर को अटेंड करना है। टाइम मैनेजमेंट का वीडियो पहले बना चुका हूं, किस टाइम से आपको पेपर करना है, ये सारी बातें आपको बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं आपको सारा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि किस ढंग से आपको एग्जाम सेंटर के लिए रेडी रहना है, एग्जाम सेंटर में एंटर होना है, एग्जाम सेंटर में कैसे आपको अपने पेपर को करना है। सारी बातें इस वीडियो के थ्रू बताने की मैंने कोशिश की। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई डाउट रहे तो इस वीडियो में आप कमेंट करें, कमेंट करके मुझे बताइएगा, अपने क्वेश्चंस पूछिएगा, मैं आपके लिए पर्सनली लेवल पे आपके रिप्लाई करूंगा और आपके लिए अलग से डिफरेंट वीडियो की जरूरत पड़ी तो मैं बना लूंगा। फ्यूचर सिटीज इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट, पेपर की बढ़िया से तैयारी करें और हम आपके लिए मॉक टेस्ट रोजाना अपडेट कर रहे हैं, उसको देखिए और उसका फायदा उठाइए।